Assalamu alaikum dear students. Today we solve some riddles. First of all, we give riddles and you try to think and give the answer. Okay students, let's start. Riddle first. I live in jungles. I am clever. My name begins with F. Who am I? यानी बच्चों, वो कौन है जो जंगल में रहती है, बहुत अकलमंद होती है और उसका नाम अंग्रेजी वर्ड में अल्फाबेट F से शुरू होता है। पहचानो बच्चों। Yes, ये लोमड़ी होती है और इंग्लिश में हम इसे फॉक्स कहते हैं। रिडल सेकंड, यू ओपन योर माउथ टू डू इट। इट शोज यू आर स्लीपी। व्हाट इज इट? यानी बच्चों, इसे लेते वक्त हमें मुंह खोलना पड़ता है और इससे ये जाहिर होता है कि हमें नींद आ रही है। बताओ बच्चों, ये क्या है? यस, दिस इज याउन। रिडल थर्ड, माय नेम बिगिंस विद जेड। इट राइम्स विद हीरो। हु एम आई? यानी बच्चों, वो क्या है जिसे हम अल्फाबेट जेड से लिखते हैं और ये हीरो का राइम होता है? बताओ बच्चों। यस, दिस इज जीरो। रिडल फोर्थ, आई फ्लाई बट आई एम नॉट अ बर्ड। आई हैव अ टेल बट आई एम नॉट एन एनिमल। देयर इज टी इन माय नेम। हु एम आई? यानी बच्चों, वो कौन सी चीज है जो हवा में उड़ तो सकती है मगर वो कोई परिंदा नहीं है? उसे एक दुम भी होती है मगर वो कोई जानवर भी नहीं है। और बच्चों, जब हम इसका नाम लिखते हैं तो इसमें अल्फाबेट टी भी आता है। पहचाना बच्चों आपने? यस, ये पतंग होती है। इट सेज काइट। रिडल फिफ्थ एंड लास्ट, आई लुक लाइक अ हॉर्स। आई हैव ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स। हु एम आई? यानी बच्चों, वो कौन है जो घोड़े की तरह दिखाई देता है और जिस पर काले और सफेद रंग की मोटी मोटी पट्टियां बनी होती हैं? पहचाना बच्चों आपने? यस, दिस इज जेब्रा। ये जेब्रा होता है। इस तरह से बच्चों, आप और भी कई रिडल्स के आंसर सोच समझकर बिल्कुल सही दे सकते हैं।